हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं रक्षाबंधन स्पेशल रसगुल्ला। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे। तो सबसे पहले, आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। यहाँ पर हमने ब्रेड का स्लाइस लिए हैं, 8 स्लाइस लिए हुए हैं। किनारे हम चाकू से काट लेंगे। ध्यान रखें, ब्रेड हमें ताज़ी लेनी है। यहाँ पर हमने सभी स्लाइस के किनारे काट लिए। अब इसे हटा देंगे और सारी ब्रेड को हम इस तरह तोड़ कर रख लेंगे। आप इसे मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। देख सकते हैं, सभी ब्रेड को हमने यहाँ पर एकदम बारीकी से तोड़ कर रख लिए हैं। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर रखेंगे, 2 चम्मच पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे, एक बार में ज़्यादा नहीं रखेंगे। इसे हम अच्छी तरह से आटे की तरह अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। इसे हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 10 मिनट हो गया है, हाथों में थोड़ा घी लगा लेंगे ताकि चिकनापन आ जाए। देख सकते हैं, अब इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे। आप छोटा या बड़ा शेप कर सकते हैं। सभी को इस शेप में बनाकर बॉल्स तैयार कर लेंगे। अब पैन में 200 ग्राम तक पानी ऐड करेंगे चाशनी बनाने के लिए। चाशनी बनाने के लिए हमने 150 ग्राम चीनी ऐड करी है। रसगुल्ले के लिए थोड़ा पतला चाशनी बनाएंगे। 2 से 3 इलायची क्रश करके रखेंगे, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। देख सकते हैं, चाशनी अब पहले से गाढ़ा हो गया है, चाशनी तैयार हो गया है। इसमें बनाए हुए बल्ब को रख देंगे। रखने के बाद 2 मिनट तक इसे धीमी आंच पर पका लेंगे ताकि चाशनी अच्छी तरह से रसगुल्ले में एब्जॉर्ब हो जाए। देख सकते हैं कितनी परफेक्ट रसगुल्ले बनके तैयार हुआ है। इसे अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।